आपको बता दें, हाथरस जिले के थाना कोतवाली चंद्रप्पा क्षेत्र के आगरा रोड स्थित कछपुरा गांव में पिछले कई दिनों से घर घर में बुखार के रोगी देखे जा रहे हैं। गांव के ही रहने वाले अजीत का पूरा परिवार वायरल बुखार से पीड़ित था। अजीत के अलावा उनकी 35 वर्षीय पत्नी नीलम, 13 वर्षीय बेटा नेहा, 9 वर्षीय नीतू व 11 वर्षीय बेटा अरुण पिछले कई दिनों से वायरल बुखार से पीड़ित चल रहे थे। अजीत व नीलम की हालत अधिक खराब होने के कारण 35 वर्षीय नीलम की रविवार देर रात मौत हो गई, तो वहीं अजीत को गंभीर हालत में आगरा भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार सुबह तड़के 4 बजे अजीत ने भी दम तोड़ दिया। मामला हाईलाइट होने पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंच गई और गांव में बीमार लोगों का शिविर लगाकर चेकअप किया। बुधवार की सुबह कछपुरा गांव निवासी भूरी सिंह की गर्भवती पत्नी विरमा देवी की मौत की सूचना से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में गांव में पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों द्वारा जांच करते हुए बताया गया कि जच्चा और बच्चा की मौत खून की कमी के कारण हुई। वहीं मृतका के परिजन जच्चा और बच्चा की मौत को वायरल बुखार से होना बता रहे हैं। गाँव कछपुरा में जो बीमारी फैली हुई है, कौन सी बीमारी है जिससे लगातार यहाँ के ग्रामीणों की मौत हो रही है? आज भी एक गर्भवती महिला की मौत हो गई जिसमें जिसके पेट में बच्चा भी था। नहीं देखिए, ऐसा है कि जो मौतें हुई हैं अभी तक, दो मौतें अगर मालूम था, उसके बाद एक महिला की मौत हुई है। तो महिला की मौत का तो कारण ये बताया कि उसमें खून की कमी थी, एनसी प्रेग्नेंट थी और उसकी वजह से उसको जो है उसकी डेथ हुई है। पिछले जो दो मरे हैं वो आगरा में मरे हैं और उसमें सस्पेक्टेड एक केस में डेंगू है, दूसरे में तो वो भी नहीं है। एक में जरूर डेंगू का सस्पिशन आया, कंफर्म नहीं आया, लीजा पॉजिटिव नहीं आया, वहाँ से हमने रिपोर्ट मंगाई है। आगरा उसके डायरेक्ट टच में है कि क्या वजह नहीं है। बाकी 3 दिन से हमारी टीमें यहाँ जो है कैंप कर रही हैं, मरीज देखे जा रहे हैं। 260 मरीज जो हैं परसों देखे गए हैं, 150 करीब मरीज कल देखे गए हैं और उसमें स्लाइड्स बनी है। डेंगू के लिए भी कंफर्म टेस्ट जो यहाँ सस्पिशन आ रहे हैं हमारे कार्ड टेस्ट से, उसके हम कंफर्म टेस्ट कराने के लिए जो है अलीगढ़ भेज रहे हैं, जिससे कि हमें रिपोर्ट जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। प्राइमरी ट्रीटमेंट सभी मरीजों का किया जा रहा है। हाँ, मैंने जो गांव में जो घूम के देखा है, गांव के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा है, इवन रोड पर जो है कीचड़ फैला हुआ है। गाँव के अंदर 2 पोखर हैं जिसमें जो है मच्छर जो है वो पैदा है। मैंने CMO साहब को कहा है कि यहाँ पर जो है एंटी लार्वा छिड़काव होना चाहिए, फोगिंग होना चाहिए। जो नाम आपका? सुरेश चंद। ये जो गांव में जो वायरल बुखार फैला हुआ बता रहे हैं, जो बीमारी बता रहे हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है अब तक? अभी तक 4 मौत हो गई। ये चारों लोग एक ही परिवार के हैं? नहीं, 2 परिवार के हैं। अच्छा, तो मतलब क्या जो टीम आई हुई है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की, क्या बता रही है, कौन सी बीमारी बताई है इन्होंने? ये इनके काबू में कुछ नहीं है, ये इनके काबू से बाहर है। कोई कितने लोग बीमार है वैसे गाँव में? अभी गाँव में पूरा ही गाँव समझो, हर घर में 2-4 पूरे